हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश अनिल सोनापने है। मैं नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मैं एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर हूँ। गाइस, मैं ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सबको बॉलीवुड अभिनय प्रेजेंस दादा साहेब फाड़के कला महोत्सव 2021 के बारे में बता सकूँ। दादा साहेब फाड़के कला महोत्सव 2021 का इनिशिएटिव बॉलीवुड के बहुत रेनाउंड फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नब कुमार राजू सर ने लिया हुआ है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें 4 दिन का वर्कशॉप्स है। ये कला महोत्सव 4 दिन का है। इस कला महोत्सव में 4 दिन 4 अलग अलग एक्टिविटीज है। ये कला महोत्सव 27 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और ये 30 अप्रैल तक चलने वाला है। ये कला महोत्सव के 27 पे फिल्म राइटिंग पे एक वर्कशॉप हुआ, 28 को फिल्म डायरेक्शन, 29 को होने वाला है स्क्रीन एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग, एंड 30 को टैलेंट राउंड है। फिल्म डायरेक्शन और फिल्म राइटिंग के कोर्सेस मैंने खुद किए हुए हैं और ये इनिशिएटिव को स्पेशल और एक चीज बनाती है। ये जो कला महोत्सव है ये इंडियन सिनेमा के फादर दादा साहेब फाड़के के नाम से है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा मेरे दोनों दिन के वर्कशॉप्स के बारे में, मैंने क्या सीखा, क्या नया है और कैसा है। मैं पहले आप सबको बता दूं कि ये जो वर्कशॉप्स है ये सबके लिए फ्री है और ये वर्कशॉप्स हमें एक ही दिन में 3-4 घंटों में बहुत कुछ सिखाया जाता है। इन वर्कशॉप्स में हमें खुद नब कुमार राजू सर पढ़ाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फिल्म राइटिंग। ये जो वर्कशॉप है ये उस डेफिनेशन से स्टार्ट हुआ, व्हाट इज फिल्म राइटिंग, और ये हमें फिल्म राइटिंग पढ़ा कर ही खत्म हुआ। बेसिकली नब कुमार राजू सर ने हमें फिल्म के लिए लिखना कैसे है ये सिखाया। ये जो राइटिंग का वर्कशॉप था इसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिला। हमें पढ़ाया गया कि पहले जो स्टोरी होती है वो तुम्हारे अंदर उसे जन्म लेने देना पड़ता है, वो स्टोरी तुम्हारे अंदर ग्रो होती है और वो स्टोरी को तुम्हें ग्रो होने देना है। फिर सर ने हमें थ्योरी पढ़ाई, उस थ्योरी में मौजूद ये था कि उस थ्योरी का इम्पोर्टेंस ये था कि वो थ्योरी तुम कोई स्टोरी को तुमने देखा है वो एक जनरलाइज स्टोरी है, उसे तुम महसूस करो वो पर्सनलाइज स्टोरी हो जाएगी और फिर उसे फिर से जनरलाइज करो ताकि वो दुनिया तक पहुंचे और हर इंसान उसको रिलेट कर सके। बेसिक हाउ टू राइट अ स्टोरी, हाउ टू डेवलप अ स्टोरी, ये हमें उस वर्कशॉप में पढ़ाया गया। नेक्स्ट पार्ट था वर्कशॉप का, व्हाट इज स्क्रीन प्ले राइटिंग। बेसिकली हम जैसे यंग फिल्म मेकर्स बहुत ज्यादा चिंतित और कंफ्यूज होते हैं स्क्रीन राइटिंग कैसे करें, स्क्रीन प्ले कैसे लिखें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा 1 घंटे का जो वर्कशॉप था सर ने, 4 घंटे का था इनऑल, 1 घंटा उसमें स्क्रीन राइटिंग पढ़ाया और आज मैं कॉन्फिडेंट हूं स्क्रीन राइटिंग के बारे में। सर ने हमें स्क्रीन राइटिंग में बताया स्क्रीन राइटिंग के एलिमेंट्स क्या है, जैसे स्क्रीन राइटिंग और स्टोरी में डिफरेंस क्या है, स्क्रीन राइटिंग और स्टोरी या स्क्रीन प्ले में और स्टोरी में डिफरेंस क्या है, स्क्रीन प्ले में क्या मौजूद होता है, स्क्रीन प्ले में क्या, स्क्रीन प्ले के क्या एलिमेंट्स है, या कोई एक फिल्म मेकर को स्क्रीन प्ले अगर लिखना हो तो उस फिल्म मेकर में या उस स्टोरी राइटर में, स्क्रीन प्ले राइटर की खुद की क्या रिक्वायरमेंट, खुद की क्या सोच होनी चाहिए, वो किस थॉट में होना चाहिए, उसको क्या नॉलेज होना चाहिए, ये सब हमें सर ने पढ़ाया।
स्क्रीन राइटिंग के बारे में या स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में सर ने हमें स्क्रीन प्ले राइटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करके सिखाया, जिसे बिगिनिंग, मिडिल और एंड कहते हैं। बिगिनिंग में हम स्टोरी को सेटअप करते हैं, मिडिल में उस स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट होता है और एंड में उसका रिजोल्यूशन होता है। इसका मतलब यह है कि तुम जब भी कोई कोई कथा लिखो या कोई स्टोरी लिखो तो वो तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंज कैसे करना है वो सर ने हमें सिखाया। और उसका अरेंजमेंट मतलब सिर्फ अरेंजमेंट ही नहीं बट उस स्टोरी में जान कैसे डालनी है वो सर ने हमें स्टोरी और स्क्रीन प्ले राइटिंग से सिखाया। ये था मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। मैंने जो सेकेंड डे पे वर्कशॉप किया वो वर्कशॉप था फिल्म डायरेक्शन के बारे में। सो गाइस, मैं आप सबको बता दूं, मैं एक एडवर्टाइजमेंट फिल्म मेकर हूँ। मैं आर्ट डायरेक्शन करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स में मैं डायरेक्ट करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट फिल्म सीख रहा हूँ। बट जो मैंने सर से सीखा वो मैंने मुझे आज तक किसी ने या कोई भी टीचर ने इस खूबियत के साथ, इस ईज के साथ मुझे कभी गाइड नहीं किया। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने डायरेक्शन के वर्कशॉप में क्या क्या सीखा। डायरेक्शन का वर्कशॉप बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड था। डायरेक्शन के वर्कशॉप में हमें सर ने पहले तो लास्ट डे का एक पॉइंट रह गया मेरे से, सॉरी एवरीवन, सर ने हमें व्हाट इज स्क्रिप्ट टू स्क्रीन ये भी सिखाया। स्क्रिप्ट में तुम जो लिखते हो वो स्क्रीन पे किस तरह लाना है, स्क्रीन प्ले में जो तुमने लिखा है वो स्क्रीन पे कैसे लाना है, स्क्रीन पे उसको अरेंजमेंट या उसका फिलअप कैसे होगा, ये सर ने हमें फर्स्ट डे पे फिल्म राइटिंग में सिखाया। हम आते हैं अभी फिल्म डायरेक्शन पे। फिल्म डायरेक्शन जो हमें सर ने पढ़ाया सेकेंड डे वर्कशॉप, दैट इज 28th of April। सर ने हमें पहले तो बताया कि एक डायरेक्टर क्या होता है। एक डायरेक्टर वो होता है जो खुद की स्टोरी एक्नॉलेज करे और दुनिया के सामने प्रेजेंट करे। बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज फिल्म डायरेक्शन। इस वर्कशॉप में इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, वर्ल्ड सिनेमा डायरेक्टर्स, इंडियन डायरेक्टर्स के बारे में भी बात हुई। हमारा डिस्कशन इंडिया के फादर ऑफ सिनेमा से स्टार्ट हुआ। हमारे इंडिया में पहली फीचर फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र जो दादा साहब फाड़के ने बनाई थी। और इस फिल्म की एक खूबियत है, ये फिल्म इंडिया की सबसे पहली फीचर लेंथ फिल्म है। और मैं और एक खूबियत बताना चाहूंगा आपको इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म में एक भी फीमेल एक्ट्रेस नहीं है। ये फिल्म में जो फीमेल एक्ट्रेस के रोल्स है वो भी मेल्स ने किए हुए हैं। और ये फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में भी डिस्कस किया। हमारा डिस्कशन बहुत सारे इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। स्पिलबर्ग सर, माजिद मजीदी, असगर फरादी, अकीरा कुरोसुवा और बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे रिनाउंड डायरेक्टर्स। हमारा व्हाट इज बेसिक लाइक सोसाइटी और सिनेमा, सोसाइटी और फिल्म ये क्या है, इस पे भी बहुत बहुत लंबे समय तक हमारा डिस्कशन हुआ। और सर ने हमें सिनेमा सोसाइटी रिफ्लेक्ट करता है और सोसाइटी सिनेमा रिफ्लेक्ट करता है ये भी हमें बताया। हमें सर ने ये बताया अगर तुम्हें डायरेक्टर बनना है तो तुम कहानी बताओ, वो कहानी जो तुम्हारे अंदर बहुत समय से और तुमने देखी हुई और तुम लोगों को बताना चाहते हो। सर ने हमें बताया कि डायरेक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्टर बनना एक स्टोरी टेलिंग है और ये एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट है। और इस आर्ट को हर एक इंसान डेवलप कर सकता है। हमें डायरेक्शन में सर ने एलिमेंट्स ऑफ सिनेमा के बारे में भी पढ़ा है। एलिमेंट्स ऑफ सिनेमा में हमें सर ने एक लाइक डायरेक्टर को किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज मतलब एक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर ने हमें ये भी बताया, हमें ये भी पढ़ाया गया कि तुम्हें
तुम जिस भी चीज पे फिल्म बना रहे हो तुम्हें हर एक चीज का नॉलेज चाहिए, हर एक प्लेस, हर एक इवेंट, हर एक मूवमेंट, हर एक एवरीथिंग. अ डायरेक्टर शुड बी एन एनसाइक्लोपीडिया हिमसेल्फ. सो बेसिकली डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, और रिसर्च इज द की टू डायरेक्शन. बाकी तो कहानी आपकी है, आप ही बताओ. हमें सर ने बहुत बहुत ही उमदा तरीके से सिखाया. इस वर्कशॉप का, डायरेक्शन के वर्कशॉप का सबसे बेस्ट पार्ट जो था, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, वो था कि सर ने हमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म मेकर एंड अ डायरेक्टर, ये हमें सर ने बहुत ही छोटे वर्ड्स में पढ़ाया. सर के ये वर्ड्स थे कि एक डायरेक्टर टेक्निकली सेट संभाल सकता है, उसके इमोशंस होते हैं फिल्म में, पर फिल्म मेकर जो होता है उसकी पूरी फिल्म होती है, उसको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए. सो गाइस, ये डिस्कशन यूं ही चलता रहेगा क्योंकि सर ने बहुत कुछ पढ़ाया है. ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई तो आप सबको भी बोर होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप सब ये मेरे से सीखें. मैं यह चाहता हूं कि आप सब आने वाले वर्कशॉप्स अटेंड करें और आप सब बॉलीवुड अभिनय से जुड़े, क्योंकि बॉलीवुड अभिनय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे यंग फिल्म एस्पिरेंट्स, एक्टर्स, राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स, एवरीवन हु वांट्स टू बी अ स्टार समडे, देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन बॉलीवुड अभिनय. सो मैं आप सब से एक एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब बॉलीवुड अभिनय का जो यूट्यूब चैनल है वो एक बार चेक करें. उनका जो नॉलेज जो वो सबको दे रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, उसके साथ लाइक उससे गो थ्रू करें, एंड देन आप लाइक अगर आपको पसंद आता है आप बॉलीवुड अभिनय से जुड़ जाइए. सो यही था दोस्तों, एंड अभी भी 2 सेशंस बाकी है बॉलीवुड अभिनय के, जो एक्टिंग एंड टैलेंट हंट. सो मैं आप सबको कहूंगा कि जल्द से जल्द रजिस्टर कराइए, और रजिस्ट्रेशन फ्री है, एंड इस बॉलीवुड की एंट्री के जंग में जुड़ जाइए. नब कुमार सर ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है हम जैसे ग्रोइंग स्टार्स के लिए, हम भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनते हैं. सो थैंक यू एवरीवन, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, एंड स्टे कनेक्टेड टू बॉलीवुड अभिनय, एंड होप टू सी यू ऑल इन अनदर राउंड ऑफ दादा साहेब फाल्के कला महोत्सव 2021. थैंक यू, सी यू ऑल.